बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं बना रही थी अंडे और प्याज, इसमें मैंने देसी घी पैन में डाला। देखिए, मैं देसी घी डाला, उसमें प्याज डाला और थोड़ा सा लहसुन डाला। अब ये मैं 3 अदर टमाटर कट करके डालूँगी और हरी मिर्चें कट करके डालूंगी इसमें। हाँ जी, प्याज हमारा थोड़ा सा हो गया है, इसमें टमाटर डाल के प्याज के साथ ही बेल्टन करूंगी गोल्डन सा। बिस्मिल्लाह, मैं टमाटर डाल लेती हूँ इसमें। तीन अदद मैंने टमाटर लिए थे और 3 बिग साइज के प्याज होंगे, 3-4 होंगे प्याज कट किए हुए थे मैं तो लेके आई। इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये हरी मिर्चें मैंने कट की हैं, ये इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, सॉफ्ट टमाटर सॉफ्ट होने तक ना इसको मैं 2 मिनट के लिए दम पे रख के पका लूंगी मीडियम हीट पे। वॉशिंग मशीन आज भी लगाई हुई है, कल बच्चों ने शावर वगैरह लिया था, फिर कपड़े काफी हो गए थे, मैंने सोचा चले मशीन सुबह सुबह आज लगा लेती हूँ तो फिर बाहर खिला दूंगी। गार्डन में बहुत नाइस वेदर है माशाल्लाह, यूके का वेदर, दिल करता है बाहर निकलने को। अब देखते हैं पेंट वगैरह ला के, आज कल को संडे पेंट वगैरह ला के हम पेंट वगैरह करेंगे। चेक करती हूँ अब मैं टमाटर सॉफ्ट हो गए कि नहीं। मैं जो एग यूज करती हूँ फ्री रेंज करती हूँ, दूसरे एग मैं नहीं यूज करती। आजकल एग्स मिल नहीं रहे, वैसे दूसरे भी नहीं मिल रहे, तो मैं तो कॉप से मंगवाती हूँ, कॉप से मिल जाते हैं। जब स्टॉक आता है तो उसी वक्त हस्बैंड कहते हैं फिनिश हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अब एग कहीं से नहीं मिलते, मेरी सिस्टर भी कह रही थी, कहती एग्स नहीं मिल रहे थे तो मैं कॉप पे गई, वहां से मिले। आप भी अगर नहीं मिल रहे ट्राई करें कॉप पे, वहां से मिल जाएंगे आपको। एयर पाउडर डाल देती हूँ मैं, चलो काफी है। ये हल्दी डालूंगी, गरम मसाला डाला है मैंने, रेड चिली और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डालूंगी, कि ग्रीन चिली भी डाली हुई है मैंने। ये बसार और कश्मीरी रेड पेपर, नमक, डाल के अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ इसमें। हाँ जी, अब थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी, इधर से तो निकल ही रहा। बिस्मिल्लाह, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी इसमें। चले,
मिक्स करूंगी। मुझे प्याज ज्यादा नाइस लगता है। एग मैं इसमें दो देखूंगी, तीन जितने मुझे नाइस लगे ना उतने डालूंगी। लगते तो नहीं है फ्री रेंज एग, मेरे ख्याल में मिक्सअप सारे एग्स हुए हैं। इसका कलर डार्क होना चाहिए एग्स का, जो देसी अंडे होते हैं ना उनका कलर डार्क होता है, गुली जो उनकी अंदर की होती है ना। मैं लाइट सा ही मिक्स करूंगी, ज्यादा नहीं। अब मैं इसमें इसको डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हलाना नहीं है मैंने बिल्कुल भी। अभी लीड लगा के हल्की आंच पे रख दूंगी मैं। ये इधर बैठा हुआ है कबूतर, वेदर एंजॉय कर रहा है। ये भी एग्स वहीं पड़े हुए हैं, ये देखें। एक इधर बैठा हुआ है, वेदर एंजॉय कर रहा है। ये भी एक ये फ्लोर पे, ये भी वेदर एंजॉय कर रहा है और फूड खा रहा है अपना। तो यही तो मौसम होता है एंजॉय करने का। सितंबर तक मौसम ठीक रहेगा, अगस्त तक तकरीबन सही रहता है। सितंबर में फिर भी वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है, अक्टूबर में तो फुल सर्दी हो जाती है। अब देखती हूँ मैं सालन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। आज तो सबसे पहले उठ के मैंने कलर किया है बालों को, फिर कलर शैम्पू मिलता है ना वही मैं लगा लेती हूँ तीन सम टाइम। जाया नहीं करनी चाहिए कोई चीज, हाथों में ऐसे स्टिक हो जाए ना, अच्छी तरह से इसे झाड़ ले। बहुत अरसे बाद ये मैंने बनाए हैं एग्स, तो मैंने सोचा आज इसी का ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। थोड़ी इसी आंच मीडियम पे रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। अब मैं सालन पिछली साइड पे हल्की आंच पे रख देती हूँ, तो इधर मैं बना लूंगी रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पेड़े कर लेती हूँ। इधर तो इतनी कम रोटी खाते हैं, पाकिस्तान में तो 3 टाइम रोटी वगैरह ना खाओ, पराठे स्कूल नहीं आता वहां तो, और भूख भी वहां लगती है, इधर भूख भी नहीं लगती। सुबह को ये आज का जो है हमारा लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही हो जाएगा। Thank you.
और बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। सलाद दिखा लो एक बार। मैं बिस्मिल्लाह जी देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।